हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि लाइफस्टाइल। और आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो एक करी की है। और मैंने 6 एग लिया है, एक को मैंने उबाल लिया था, ऐसे छील भी ली हूँ। और इसमें देखिए चीरा मैंने लगा दिया है इस तरह से, क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग डायरेक्ट छीलने के बाद तलते हैं तो वो फट सकता है अंडा, क्योंकि अंडे के अंदर जो भाप है ना वो इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से चीरा लगा देने से क्या होता है कि भाप जो होता है वो निकल जाता है और फिर आपका तलते समय उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और एक आलू मैंने यूज किया है जो कि मैंने बॉईल कर लिया है और इस शेप में कट करके रखा है। एक कढ़ी बनाने के लिए हमें जो मसाला लिया है वो मैंने एक टमाटर लिया है, 2 प्याज लिया है जो कि मैंने इसे कट कर लिया है, लहसुन की कलियां मैंने 4 ली है। कढ़ी के लिए जैसे कि मैंने इसमें प्याज, टमाटर और लहसुन, अदरक का पेस्ट इसमें मैं बना ली हूँ मिक्सी में। और इसमें मैं कुछ सूखे मसाला निकालूंगी जो कि मैं आपको बता दे रही हूँ कितना मैं ले रही हूँ। तो मैं धनिया पाउडर लूंगी 1 टीस्पून एंड 1/2 टीस्पून, ओके। हल्दी की पाउडर मैं लूंगी 1 टीस्पून एंड जीरा गोल की पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून। और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ कश्मीरी लाल मिर्च जो कि 1/2 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा, इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। और नमक स्वाद अनुसार मैं अभी ऐड करके ले। हम कुछ खड़े मसाला यूज किए हैं जिसमें दालचीनी 2 है, स्टार फूल 1 इलायची, तेजपत्ता 2, जीरा 1 टीस्पून एंड 1 ग्रीन चिल्ली। मैंने गैस ऑन कर लिया है और उसमें ऑयल भी ऐड कर दिया है। मैं रिफाइंड ऑयल से एक कढ़ी बनाने वाली हूँ तो मैं, और ऑयल में हम हल्का नमक भी ऐड कर देंगे। और नमक मैंने ऐड कर दिया है, ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक और आलू ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से डीप फ्राई करेंगे पूरा गोल्डन। और एक बस फ्राई हो चुका है तो मैं अब इसे निकाल लूंगी। देखिए मैंने एकदम गोल्डन ब्राउन किया है तो बस हम इसे अब निकाल ले रहे हैं। और आलू को भी एकदम उसके साथ एकदम गोल्डन ब्राउन कर दिया है तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरह से पूरा गोल्डन करने। और ऑयल गरम है, अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तेजपत्ता ऐड कर दूंगी, दालचीनी, और इस समय गैस का फ्लेम कम रखें, स्टार फूल, इलायची और जीरा, और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, एकदम हल्का, मसाला जलना नहीं चाहिए। और इस समय हम मिर्च भी ऐड कर देंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और ये फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें जो प्यूरी बना के रखी हूँ वो ऐड कर दूंगी। तो प्यूरी को एटलीस्ट 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे क्योंकि इसमें प्याज है, लहसुन और टमाटर है, तो ये फ्राई होगा। उसके बाद फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले जो है देखिए फ्राई हो गया है, तो अब हम इसमें जो सूखा मसाला जो निकाल के रखे हैं वो ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई करें। मसाला तब तक फ्राई करें जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट ना होने लगे। ऑयल सेपरेट होगा तभी आपका जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई होगा और तभी एक कढ़ी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे चारों तरफ ऑयल जो है एकदम सेपरेट हो गया है। तो इस समय पे अब हम वाटर जो है ऐड कर देंगे। तो आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके अनुसार ही वाटर ऐड कीजिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए तो बस मैं इतना ही वाटर ऐड करूंगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। इसे मिक्स कर लिया है, अभी थोड़ा सा वाटर अधिक है और जब ये बॉईल होगा तो इसका वाटर और थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा अधिक डाला है। तो इसमें मैं एग और पटेटो दोनों ऐड कर दे रही हूँ और एक बॉईल आने तक पका लेंगे ढक के। आ चुका है तो ये अच्छे तरीके से पक गया है। और चीरा लगाने से क्या है ना कि आपका एग का जो ग्रेवी है वो भी अंडे के अंदर तक चला जाएगा तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो बस अब मैं इसे सर्विंग बॉल में निकाल लूँ। अंडा कढ़ी बनकर रेडी हो चुका है और ये बहुत ही यम्मी बना है, मैंने टेस्ट करके भी देखा है। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रुचि लाइफस्टाइल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल पाए और आप मेरा हर एक वीडियो देख पाएँ। तो बाय फ्रेंड।